फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निष्ठा होम किचन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि मसूर की दाल को रात भर पानी में भिगोकर और उसका पेस्ट बनाकर यदि अपनी त्वचा या चेहरे पर लगाते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो ये सारी जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में दी हुई छोटी सी बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए जिससे कभी भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुँच सके। चलिए देखते हैं दोस्तों, मसूर की दाल में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यदि मसूर की दाल का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उसके ये फायदे हैं, डेड स्किन को हटाने में हेल्प करता है। तो दाल को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर लगाएं तो एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है और इससे डेड स्किन को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और स्किन को ग्लोइंग व चमकदार बनाने में भी हेल्प करता है। मसूर की दाल हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी हेल्प करता है। तो यदि हम मसूर की दाल का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगाते हैं तो ये नमी देता है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज रखता है और ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिसकी स्किन ड्राई हो जाती है वो खासतौर से मसूर की दाल का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मसूर की दाल हमारी स्किन को पोषक तत्व भी देता है क्योंकि मसूर की दाल में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को पोषक तत्व देते हैं और साथ ही साथ हमारी स्किन में को ग्लोइंग व चमकदार व हेल्दी बनाने में भी हेल्प करते हैं। मसूर की दाल हमारे चेहरे के पिंपल्स व दाग धब्बों को हटाने में हेल्प करता है। तो यदि मसूर की दाल चेहरे पर लगाते हैं तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे पिंपल्स व दाग धब्बों को कम करने में हेल्प करते हैं। और यदि हम इस पेस्ट का यूज नियमित करते हैं तो ये हमारे चेहरे को साफ व चमकदार बनाने में भी हेल्प करता है। त्वचा पर मसूर दाल का यूज कैसे करें? तो 2 या 3 बड़े चम्मच मसूर दाल को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और इसे सुबह पीसकर अच्छे से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा दूध, गुलाब जल व शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगा लें और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। और जब पेस्ट सूख जाए तो इसे गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें और इसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से हल्के हाथों से पोंछ लें। तो दोस्तों, यदि हम नियमित रूप से मसूर की दाल का पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये हमारे चेहरे को सॉफ्ट, ग्लोइंग व चमकदार बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दोस्तों, ये एक नेचुरल फेस पैक बन के तैयार हो जाता है जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।